फर्स्ट ऑफ ऑल मटन के साथ गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट और थोड़ी सी कटी हुई बारीक गार्लिक, जिंजर और रेड चिली मिक्स कर लें। उसके बाद प्याज को काटें, प्याज बहुत सारे लगेंगे, प्याज वही थोड़े से गरम मसाला कूट लें, आधा कूटा हुआ फुल्ली, मतलब हम लोग ग्राइंड ही करना है। नाउ लेट द राइड अनियंस, देखिए कितना सारा अनियंस चाहिए हमें। मेरा मटन का अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं है, तो आई एम थिंकिंग उस हिसाब से मैं ले रही हूँ, तो आप भी उस हिसाब से ही लीजिएगा। मतलब मटन से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए प्याज, क्योंकि प्याज ही मटन आफ्टर ऑल। हाँ, प्याज इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और तेज पत्ता के साथ हम लोग इसे अभी भूनेंगे, थोड़ा सा कच्चापन जो होता है उसको हम निकालेंगे, एंड जो लाइट ब्राउनिश कलर होगा उसके बाद हम लोग मटन मिक्स करेंगे इसके साथ। गरम मसाले के दाने और रेड चिली गार्लिक और जिंजर पेस्ट। जल्दबाजी मत कीजिएगा, इसको धीरे धीरे भूनने दीजिएगा, क्योंकि प्याज इज अ मेन इंग्रेडिएंट, सो उसे अच्छे से भून लीजिए। उसके बाद ही हमारा जो मटन होता है उसको हम डालेंगे, तो स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसमें हल्दी हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा वो येलोइश मतलब अच्छा लगता है तो यू कैन ऐड, बट हम लोग इसको ऑप्शनल ही रखेंगे, क्योंकि मैं इसमें वो हल्दी वाला वो जो टिंट होता है वो कलर मुझे नहीं अच्छा लगता, तो आई एम कीपिंग हल्दी फ्री, यू नो। सो ये जो कलर आएगा वो उसको मैं भूनने के बाद ही, मैं जो कलर आता है उसको यूज़ करूँगी, आई एम नॉट एडिंग हल्दी हियर। सो अभी मैं भून रही हूँ, देखिए मटन दिख ही नहीं रहा है, मतलब इतना सारा प्याज लेना होगा जो कि मतलब पूरे आपको मटन को मतलब कवर कर दे। एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है अभी, बस उनको भूनना है और उसी में पकाना है, नो पानी इज यूज्ड हियर। लगभग 20 मिनट हो गया है, इट्स ऑलमोस्ट still half cooked, you know mutton goose are not easily cooked, वो इतनी जल्दी बॉल नहीं होता है। देखिए ये कलर एक ब्राउनिश कलर आ गया है, जिसको देख के मतलब खाने का मन कर रहा है, इट्स वेरी वेरी यम। एंड जो कलर होता है वो थोड़ा थोड़ा लाइट ब्राउनिश एंड रेडिश टाइप का होता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया, आई एम सो सॉरी गाइस, लेकिन ये कलर बहुत अच्छा आया है, बहुत ज्यादा। वाओ, लुक एट द कलर, लुक एट द कलर, देखते ही खाने का मन कर रहा है, आप लोगों को भी। नाउ इट्स रेडी, ऐसे भी सर्व करूंगी और थोड़ी सी पूरी के साथ इसको खाऊंगी। कलर मैंने यहाँ पर हल्दी यूज नहीं किया है, सो उसके बाद ही ये कलर आया है, तो यू हैव टू कुक टिल दिस कलर कम्स। थोड़ी सी पूरी बेल लेती हूँ और अभी हम लोग मतलब पूरी के साथ खाएंगे। आपको राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, आज हमने सोचा कि हम लोग पूरी के साथ खाए, तो अभी फ्राई करूंगा।
फुली पूरी। दबाना होता है, यही टेक्निक होता है, ये तो हर किसी को पता है। अगर आपको अलग से चाहिए तो यू कैन मेक।